हेलो दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, और कल तो ये न्यूज में छाया हुआ था मार्केट में। क्यों छाया हुआ था? क्योंकि 20% का अपर सर्किट, 809 रुपए पे ये शेयर ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ नजर आया। इसके पीछे का वजह क्या है कि 20% का अपर सर्किट जैसे ही 12, 12:30, 1 बजे के लगभग ये अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, एज वेल एज सब सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। क्या हमने इस शेयर से रिलेटेड बातें करी है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर पता चल जाए कि हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड बातें करी है। तो आपको पता चलेगा कि 2 महीने पहले, ठीक है, यहाँ देखिए न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, यहाँ से सीधा डबल, ठीक है, आपको क्या लिखा है, यहाँ से सीधा डबल होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पहले ही बताया, और 1 साल पहले भी आप देखोगे ना, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने यहाँ पर वीडियो बना के आपको दी है। तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो 1 साल पहले जब हमने वीडियो बनाई थी, तो आपको यहाँ पर पता होगा कि 1 साल पहले ये शेयर लगभग लगभग 300 रुपए के आसपास चलता था, ठीक है। और वहां से आप देखोगे तो 1 साल पहले यहाँ पर, 1 साल यहाँ पर हुआ नहीं है, 1 साल लगभग 300 रुपए के आसपास पैसा यहाँ पर लगभग 2.5 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। और 2 महीने की बात करूं, ठीक है, 2 महीने में भी आप देखोगे तो 2 महीने पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो 500 रुपए के आसपास था, 500 से 800, तो यहाँ पर भी पैसे आपके बने हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर दोबारा आपके पास लेके आया हूँ, रीजन लेके आया हूँ क्यों भागा है और कैसे यहाँ पर शेयर अच्छा खासा आपके रिटर्न यहाँ से भी डबल कर सकता है, वो हम यहाँ पर बातें करेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना है ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहे, और यहाँ पर हो सके जितना सीखने की कोशिश करें, जितना सीखेंगे उतना निखरेंगे, और जितना निखरेंगे पैसा अपने आप आता जाएगा। सीखने के लिए सबसे पहले वीडियोज देखिए, वीडियोज में बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं बोल पाते, तो हमारा कोर्स है 8860540501, 8169261037, इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कब लेना है, कब बेचना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। 17,500 का सबसे सस्ता कोर्स, पूरे ऑनलाइन नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, सब चीज आपको मिलेगी, ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेस होगी, तो कहीं जाने की नहीं, घर से आराम से बैठ के यहाँ पर आप सीख सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, 1200 रुपये पर मंथ देके आप हमारे इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं जहाँ पर स्टॉक्स बताए जाते हैं, उन स्टॉक्स में आप पैसा लगा के अच्छा खासा कमा सकते हो, बट अपने रिस्क पे और एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके। 23%, 2%, 4%, 3%, 4%, 20%, 6%, इस तरीके के शेयर यहाँ पर दिए जाते हैं जो इस ऐसे भागते हुए नजर आते हैं। और अगर किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के लगभग का जो पोर्टफोलियो है, हम यहाँ पर आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और साथ में अच्छा खासा जो पैसा है आप कमा सकते हो यहाँ पर। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की बातें करें तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड कंपनी है। सर्विस की बात करें, अलग अलग ये सर्विस प्रोवाइड करती हुई नजर आती है, वेरिफिकेशन, वैलिडिटी, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और यहाँ पर बैंकिंग सर्विस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। देखिए इन सारी की सारी कंपनी को ये यहाँ पर क्या करते हुए नजर आती है, बैंक से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उनको यहाँ पर ये हैंडल करती हुई नजर आती है। अच्छा खासा इनके प्रोडक्ट भी है, और देखना चाहते हो इस कंपनी से रिलेटेड तो ये देख सकते हो कंपनी कितना पैसा यहाँ पर मैनेज करती है, कितना लोन मैनेज करती है, सब पता चल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर देखिए इनके जो कंपनी है, इनके जो कस्टमर्स है वो सारे के सारे अच्छे अच्छे बैंक है, गल्फ में ये अच्छी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ओके, सिडनी बैंक के साथ भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, नंबर 1 हैशटैग वैले बैंक भी है, यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम कर रही है, और जिसका यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा कंपनी काम कर रही है, 50 से ज्यादा कंट्री में इनके ये काम करती हुई नजर आती है। न्यूक्लियस की बात करूं, अगेन स्मॉल कैप कंपनी है, जो स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं तो याद रखिए सालों तक ये शेयर भागा नहीं था, इस चीज को भी याद रखिए। इसने 2007 में हाई बनाया था, 2007 में स्टार्टिंग में, और उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग लगभग इसे 10 से 11 साल लग गए थे इस लेवल पे पहुंचने के लिए। प्रॉफिट में फिर भी नहीं आया था, बट एक कंसोलिडेशन में था, ठीक है। तो आपको ये रिस्क भी ध्यान में रखनी है, ओके, और साथ में रिवॉर्ड अगर आपको अच्छा चाहिए तो ऐसी कंपनी को अच्छे टाइम पे लेना और बेकार टाइम पे बेच देना, यही हर एक शेयर का मोटो आपका होना चाहिए। आपको यहाँ पर शेयर के साथ अफेयर करना है, ना कि शादी, इस चीज को याद रखिएगा। 17 का पी है इंडस्ट्री का, 33 का सस्ता नजर आता है, बट पी के बेस पे काम नहीं करना, बट शेयर अच्छा है तो इसलिए आप उसके बारे में सोच सकते हैं। 809 का हाई, आज इसने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई लगाया है इसने,
आरओसी आरओई यहाँ पर ठीक ठाक नजर आता है, डेट फ्री शेयर है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। एज वेल एज आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर, बेहतरीन नंबर, और कल 12:30 1 बजे के लगभग नंबर आते हुए दिखाई दिए। 206 करोड़ रुपए की सेल्स हुई, 40% का मार्जिन, हाईएस्ट एवर मार्जिन आया, 83 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 68 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, जिसने यहाँ पर इस शेयर में अपर सर्किट लगाने के लिए हेल्प करता हुआ नजर आया। जब इस तरीके के तोड़ू फोड़ू नंबर यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं तो शेयर ऑलरेडी भागता हुआ नजर आता ही है। तो हम इसलिए शेयर को सही टाइम पे लेना एक कला होती है। यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। यहाँ पर देखिए रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, बोरिंग ना के बराबर है, ओके 500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट, और कैश भी कंपनी का 51 करोड़ रुपीज का है। प्रमोटर्स के पास 73.27% के शेयर है, ओके जो कि यहाँ पर बड़े हैं। FIs की बात करें, FIs के पास भी यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर में FIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, थोड़े से DIs भी आए, और पब्लिक की बात करें 22% के शेयर है, कम होते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। अरुण जैन ने यहाँ पर बीच में बेच दिए थे, दोबारा इन्होंने हिस्सेदारी ले ली, तो क्या है शेयर काफी बेहतरीन नजर आता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर शेयर को लेके बैठे हुए हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ही टॉल के नोटिफिकेशन, और सीखे जितना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में इन नंबरों को नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। और अगर आपको अपना पैसा सही में बढ़वाना है, सही में आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो इन नंबरों को भूलिएगा मत, सेव करके रखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि इसने एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, इस वाले रेंज में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर एक फाइनली ब्रेकआउट दिया 600 रुपए पे, जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कल जो ब्रेकआउट हुआ है वो 1.5 साल का ब्रेकआउट है, इस चीज को भी हमें भूलना नहीं है। और ये यहाँ से भागता हुआ नजर आता है, बट एक रेजिस्टेंस लाइन भी सामने नजर आती है 876, तो 876 तक की एक जो रैली है, ठीक है, जो लगभग लगभग आपके 8-9% के 10% के नंबर रिटर्न है, हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट ओपन हो, ओके, तो यहाँ पर ये रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आ जाए। मैं क्या कर सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ओके 40-50 रुपए अगर ये शेयर नीचे आता है और इस रेंज में या इस रेंज में आपको ये शेयर मिलता है, तो याद रखिएगा आप भूलिएगा मैं शेयर को, इसे यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिएगा, और थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी साथ में रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी यहाँ पर भूलिएगा मत, सब चीज को यहाँ पर देख के यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस शेयर में एक तेजी होती हुई नजर आ सकती है, जो इस शेयर को अच्छे खासे भाव पे यहाँ पर लेके जा सकती है, और अच्छे खासे रिटर्न आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और वो रिटर्न कितने हो सकते हैं, वो रिटर्न यहाँ पर शायद 1000 रुपीज का लेवल भी, ये आने वाले 1000 रुपीज और 1100 के आसपास का जो लेवल है टच कर ले, जो कि अगर हम बात करें 41% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, सीखना है, मैं यहाँ पर आपको सिखा सकता हूँ, और अच्छे से नहीं सिखा सकता, बट अच्छे से क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस होती है, बट इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमारी क्लास में आएंगे तो आपको यहाँ पर सीखने का ही मौका मिलेगा, और अच्छे से आप क्वेरीज भी पूछ पाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर ऐड हो पाएंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ही क्यों लेना था, हमने यहाँ पर ही वीडियो क्यों बनाई, बार बार यहाँ पर चीजें कब लेना है कब बेचना है सब पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।